हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एनी फंक्शन विथ सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। कोई फंक्शन जो होगा वो अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यानी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन तो उस कंडीशन में वो फंक्शन होगा हार्मोनिक फंक्शन। अब इसमें थ्योरम पढ़ते हैं। इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी इज एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। यानी कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी, अगर इस तरह कोई फंक्शन है तो उस कंडीशन में हमारे पास u और v जो दो होंगे, जो फंक्शन होंगे वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो इसको हम प्रूव करते हैं। लेट एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी बी आर एनालिटिक फंक्शन। हमने मान लिया कि ये फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो फ्रेंड्स, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी है तो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, वो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। देन हमारे पास क्या, हमने क्या मान लिया, एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन है तो हमारे पास जो कंडीशन होंगी वो सी आर इक्वेशन की जो कंडीशन होंगी, जो हमने अभी बताई थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी ये दो कंडीशन होंगी उनको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि कोई फंक्शन वो एफ जेड यू प्लस आयोटा वी जो एनालिटिक फंक्शन है, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। अब फ्रेंड्स, इक्वेशन वन को हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो ये हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया। इसी तरह इक्वेशन नंबर टू को हमने विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये हो गया डेल स्क्वायर वी बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब फ्रेंड्स, चूंकि हमारे पास हम इस रिलेशन को जानते हैं कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि अगर कोई फंक्शन है उसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया डिफ्रेंशिएशन का, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स कर दिया पहले, उसके बाद डेल वी अपॉन डेल डेल वाई कर दिया, सॉरी पहले डेल वाई अपॉन डेल एक्स था और उसके बाद हमने डेल एक्स अपॉन डेल वाई कर दिया, तो उसका ऑर्डर जो आंसर होगा वो सेम होगा, ये हम रिजल्ट जानते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो ये आ गया, तो ये जो है वो बराबर है, तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल सॉरी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यही जो कंडीशन थी हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन के लिए, जो कंडीशन नेसेसरी कंडीशन थी वो कंडीशन थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है यू और वी, अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी है और एनालिटिक है, तो उस कंडीशन में ये यू और वी जो होंगे हार्मोनिक फंक्शन होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।